आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, द क्वेश्चन हियर इज, यहां पे मुझे बताना है कि अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसीडर कर रही हूं तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पे एक सॉल्ट ले रही हूं, मान लो ए बी, तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा आयोनाइज हो जाएगा ए बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। तो इसने जो मुझे आयन दिए उसका मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालूं, ठीक है, जिसे मैं डोनेट करती हूँ केएसपी से, वो कैसे आता है, इनके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट कर दिया, अब ये आ रही है हमारी आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये आ रहा है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब मुझे ऑप्शंस में दे रखा है कि कब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, जब हमारा प्रोडक्ट आयन कंसंट्रेशन इक्वल होगी या फिर लेस देन होगी या ग्रेटर होगी। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें क्रिएट करना है तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितना हम आयन्स यहाँ पे सॉल्युबल हो रहे हैं उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब पूरा पूरा जो है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया है, ठीक है। पर मैं बोलूँ अगर कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है हमारी, ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे अगर पीपीटी मुझे नहीं मिलने वाली अगर मैं और सॉल्यूट डालती जाऊँ, ठीक है, और अगर आयन की कंसंट्रेशन, जो कि मुझे आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा दे रखी है, मतलब ये अब सॉल्युबल नहीं हो गए, जितने होने चाहिए उतने हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा और सॉल्युबल नहीं हो सकते। तो इस केस में जब प्रोडक्ट ऑफ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है मुझे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास एक्सेस ऑफ सॉल्यूट की वजह से पीपीटी फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे पीपीटी मिलेगी और यहाँ पे पीपीटी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे पूरा पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सैचुरेटेड में अगर मैं जितना हमें सॉल्यूट दिया था, जितने आयन्स थे, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखूँ तो इक्वल आनी चाहिए, जितनी आयनिक कंसंट्रेशन है इसकी सॉल्युबिलिटी इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर वन इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किन किन केसेस में मुझे किस तरह के सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।